हर पल आपके साथ। आपको बता दें कि पैनी नजर सामाजिक संस्था के धरने का आज सातवां दिन था। जैसा कि संस्था ने कहा था कि आज धरना चलकर एसडीएम कार्यालय के सामने जाएगा, तो इसी के चलते संस्था के लोग और सैकड़ों की तादाद में ग्राम टांडा सादात के लोग संस्था के साथ तहसील प्रांगण में पहुंचे। तहसील में भीड़ देखते ही एसडीएम साहब कार्यालय से बाहर निकलकर लोगों के पास पहुंचे और बताया कि अभी रोड स्वीकृत नहीं हुई है, लेकिन कोशिश करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग जल्द से जल्द सड़क पर काम शुरू किया जाए। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि जैसे ही शासन से बजट स्वीकृत होता है तुरंत निर्माण आरंभ हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि पीडब्ल्यूडी से हम कहेंगे कि वो संस्था को लिखकर भी अवगत कराएं। एसडीएम की बात मानते हुए एडवोकेट सुनीता गंगवार ने धरने का समापन किया। इसके साथ ही एसडीएम डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा का आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार, प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर सिद्दीक अहमद अंसारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष वहीद अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रामस्वरूप गंगवार, प्रदेश महासचिव मुन्ने बख्श अंसारी, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र पाल गंगवार, जिला मीडिया प्रभारी पीके गुप्ता, अशोक कुमार गंगवार, जिला युवा अध्यक्ष अल्तमस अंसारी, जिला युवा सचिव अकरम सकलेनी, केमकरण गंगवार सहित गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। आपकी जो समस्या है, जिलाधिकारी महोदय भी आए हुए थे, उनके सामने एक्सिन पीडब्ल्यूडी से बात हुई है, अभी मैडम के सामने एक्सिन पीडब्ल्यूडी से हमारी बात हुई है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि साहब मैं फाइल दिखा रहा हूँ, क्या स्टेटस है। शासन फाइल जाएगी अप्रूवल के, शासन से जैसे ही अप्रूवल हो जाता है तत्काल काम शुरू। ये मैं इसको पढ़ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग कॉपरेट करिए। और ये तहसील घर में देने का आज नहीं है। मैं बता दूं, जब तक श्रीमान जी के यहाँ किसी भी विभाग में किसी भी पत्रावली का एसटी नंबर नहीं चलता तब तक उसका शिलान्यास होना असंभव बात है। अधिक बात यही है, अब वहाँ शिलान्यास हो गया, ये ग्रामीण तमाम है, एक तो नहीं, ये जो हैं सभी इसकी पुष्टि करेंगे कि वहाँ शिलान्यास भी हुआ और साफ फोटो भी खींचे गए और हमारे मीडिया पर भी गए। और जो है लेकिन सर वहाँ जब पीडब्ल्यूडी विभाग में इसका पता किया गया, हम लोग लगे रहते हैं, तो वहाँ ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला, ना ही उसका कोई एसटी नंबर है, ना ही कोई धन आवंटन हुआ है, और बिना वैसे ही सब खाली अगर उन्होंने भेज दिया है तो कोई बात नहीं है, वहाँ परसों कर लें, नहीं भेजा उन्होंने तो तत्काल भेजवा दी थी, वहाँ से जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत क्या है इसकी, एडीएम साहब हम सर खुद काला कोट पहने हुए हैं, हम कैसे गैर संवैधानिक काम कर सकते हैं। हम कॉपरेट सर आपको पूरा कर रहे हैं, बस ये जनता को संतुष्ट करना सर आपका ही कर्तव्य है। और हमारा तो काम नहीं, समाज सेवी संस्थाएं प्रश्न उठा सकती हैं, लेकिन समाधान तो आप लोग ही देंगे। सर इस रोड की हालत इतनी खराब हो चुकी है, इतनी व्यवस्था खराब है कि आए दिन इतने हादसे होते रहते हैं सर, क्या परेशान है। यहाँ तक जो अध्यापिकाएं आती हैं वो परेशान है, हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, परिस्थिति इतनी खराब है सर। जी हम लोग बदहाल परेशान हैं, हम चाहते हैं कि इस रोड को बहुत जल्द पारित करके पास करा करके इसको तत्काल डलाया जाए सर। हम समस्या जूझ रहे हैं, आए दिन इतने हादसे होते रहते हैं कि दुर्घटना हो रही है सर। अवसर हो गया सर, हम आपसे विनती करते हैं सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसमें आप कार्यकाल जल्दी कराइए। सर आप हमारे अधिकारी हैं नवाबगंज में, हम जानते हैं कि बरेली में आपसे बड़े अधिकारी डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, लेकिन वो सब हमारे लिए बाद में हैं, पहले आप हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे करीब हैं, हम आपके करीब हैं, हमारी जो भी समस्या होगी हम आपसे कहेंगे और उस समस्या के पीछे हम आपसे लड़ेंगे भी,
35 साल से वहाँ रोड नहीं पड़ा है, जबकि PWD ने ये बताया, जानकारी मुझे दी कि हर 8 साल में रोड का रिन्यूअल होता है, तो कितने 8 साल वहाँ निकल गए हैं। सर क्या विवाद उस टैक्स को वापस करेगा जनता को कि हमने रोड नहीं डाला, सब हमारा पैसा, जब सौदा लेने जाते हैं अगर हम सौदा नहीं लेते हैं तो वो हमें पैसे वापस कर देता है, क्या विभाग क्या प्रशासन उसको वापस करता है जनता को? सर हाँ, तब तक हम शांति से बैठे हैं आप? नहीं सर, हम सर कौन सा हम गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं ये बताइए सर। तो लिख कर दे दें, रोड सही को है तो ये लिख दें और नहीं है तो ये लिख दें। अगर अभी इतना इस गांव की सड़क के हालात ऐसे हैं सर, 50 गांव के आसपास नैनीताल रोड उत्तराखंड तक जाती है, वो क्या उसमें लोग निवासी लोग नहीं रहते, इंसान नहीं रहते वहाँ पर क्या? नहीं हमने कहा नहीं, आपसे तो सर हम अपना दर्द बयान कर रहे हैं, आपसे तो दर्द बयान कर रहे हैं सर। ये लगा लो इतना पानी भर जाता है, जिस दिन बरसात की अगर 4 बूंदे भी गिरती है इतना पानी हो जाता है, तो मैं ये जानना चाह रहा था अंकल जी रुको तो सही, मर्यादा उसको नहीं। अब सर बताइए कि वहाँ पर अगर कोई रास्ता गिर निकल के जा रहा है, कोई सवारी जा रही वाहन जा रहा है, उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, तो क्या क्या रह सर वहाँ रहने का अधिकार नहीं लोगों को? या लोग वहाँ के टैक्स नहीं दे रहे हैं, सरकार कुछ दे नहीं रहे वहाँ के लोग? ऐसा बिहार बढ़िया नहीं है सर, ऐसा बिहार बढ़िया नहीं है, होता है नहीं होता है, व्यवहार से कह दीजिए हम जा रहे हैं। अरे बहुत परेशान है आप, एक किसी दिन अगर आए तो देखना, बहुत ज़्यादा परेशानी है, नहीं ये हिसाब सर, रोड टैक्स भी ले रहे हैं सब ले रहे हैं और पैसा सब रख रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहे हैं। आज ये धरने का 7वां दिन है और हमने 3 दिन पहले नवाबगंज प्रशासन को ये लिखित पत्र भेजा था कि धरने पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई अधिकारी नहीं आया इस टांडा सेथल मार्ग के निर्माण हेतु, तो मजबूर होकर संस्था जो है अपने धरने को वहाँ लेकर ग्रामवासियों के साथ आ रही। आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासियों के साथ में संस्था वहाँ पर पहुँची और SDM महोदय जो है वो अपने कार्यालय से बाहर आए और उन्होंने लोगों की, हमने कहा सर गांव वालों की आप बात सुनिए, उनकी समस्या सुनिए और ये बात आप स्वयं उनसे कहिए, तो वो निकलकर अपने कार्यालय से बाहर आए और उन्होंने गांव के लोगों को आश्वासन दिया कि इस रोड का, पहली बात गांव वालों ने पूछा कि क्या ये रोड स्वीकृत हुआ है या नहीं है, SDM साहब ने उसको बताया कि ये रोड अभी स्वीकृत नहीं हुआ है लेकिन इसका एस्टीमेट बन के लखनऊ गया है और जैसे ही ये स्वीकृत होगा तो उसके बाद तत्काल तुरंत इस पर काम लग जाएगा। तो लोगों ने ये भी पूछा कि यहाँ पर एक उद्घाटन हुआ था, फीता कटा था, वो क्या था, तो इस पर नवाबगंज प्रशासन मौन रहे, बोले उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है और बाकी ये है कि आपकी रोड के लिए हम विभाग को भी कहेंगे और दबाव बनाएंगे कि जल्द से जल्द ये रोड बनना चाहिए। ये 7वां दिन था धरने का, तो SDM साहब के आश्वासन पर आज ये धरना समाप्त किया जाता है और SDM साहब ने जनता को पूरी तरह से संतुष्ट किया है और संस्था भी शुक्रगुजार है SDM साहब की और ग्राम टांडा सादात की जनता भी शुक्रगुजार है और उन्होंने एक एस्टीमेट का कागज भी संस्था को मुहैया कराया है जिसमें एस्टीमेट जो बन के गया है उसको उन्होंने मुहैया कराया और ये भी कहा है कि संस्था के नाम विभाग जो है ये लिख कर देगा कि इस रोड का निर्माण कब तक संभव हो पाएगा। कारवां TV हर पल आपके साथ।